हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आपका एक बार फिर से। तो देखिए, बीटीएससी का जो डिप्लोमा डिग्री के लिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलना था, ठीक है, स्कूटनी वाला, तो वो पोर्टल खुलने में अभी काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। आज का डेट था तो आज शाम हो गया है, लेकिन अभी तक वो पोर्टल खुला नहीं। हम आपको एक बार चल के दिखा रहे हैं, तो क्या पूरा मामला है एक बार आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे, आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे btsc.bihar। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्शन पोर्टल दिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है, यहाँ से करेंगे रेज ऑब्जेक्शन। 6 से 4 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 6 तारीख का लगता है, आज शाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ से रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे तो यहाँ देखिए सर्वर अनअवेलेबल बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए, ऐसा अनअवेलेबल क्यों बताता है, जब भी कोई ह्यूज मात्रा में कि कोई भी फाइल को जब सर्वर पे अपलोड किया जाता है, ठीक है, तो वो अपलोड होने में कुछ टाइम लेता है, सर्वर का कुछ मेंटेनेंस होता है, तभी ये सर्विस अनअवेलेबल बताता है। तो इसका यह साफ मतलब है कि आपका फाइल वहाँ पे अपलोड अभी भी किया जा रहा है, ठीक है, अभी तक आपका वहाँ पे सबका डेटा कलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। तो कृपया धैर्य बना के रखें, आज ही आपका साइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी भी टाइम है, जैसे ही सारा डेटा एक बार सर्वर पे अपलोड हो जाएगा तो आपका जो है वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका स्कूटनी के लिए आप वहाँ पे अपना लॉगिन करके चेक कर पाएंगे। और कितनों के साथ अभी ऐसा भी हो रहा है कि ओटीपी आ रहा है, ठीक है, और बहुत कुछ हो रहा है, मतलब कि उनका, लेकिन लास्ट में जाकर उनका भी इसी तरह से फंस जा रहा है, ठीक है, ओटीपी आने के बाद भी। और तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साफ बात यह हो रहा है अभी कि आपका डेटा सर्वर पे अपलोड किया जा रहा है, आप कुछ घंटे का, 2 से 3 घंटे का वेट करेंगे अभी भी, और आपका ऑब्जेक्शन लिंक स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही सारा जो डेटा है वो एक बार सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हर बार हर एग्जाम में जब भी ऐसा आता है लिख के, तो मतलब आपका डेटा वहाँ पे अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका 2 से 3 घंटे में आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आपने इतने दिन किया वेट, तभी 2 से 3 घंटे का वेट और कर ले। और देखिए, और भी हम दिखाते हैं आपको। तो और अभी एक यहाँ देखिए, BTSC का यहाँ पे एक ठो रिजल्ट आया है अभी, जैसे कि यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आया है 6/8/24 के लिए, ठीक है। ये ड्राइवर जो है ना, वाहन चालक, उनके लिए, ठीक है, देखिए वाहन चालकों के, ठीक है। तो इनका भी डेटा वेबसाइट पे अपलोड किया जा रहा है, बहुत सा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सबको मिला के अभी जो वेबसाइट है उस पर मेंटेनेंस चल रहा है, जैसे ही मेंटेनेंस पूरा हो जाए, मतलब आपका डेटा अपलोड हो जाएगा, तो आपको जो है वो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इनका भी काम चल रहा है, आपका भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा बस वजह वो फंस रहा है वहाँ पे, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और हाँ, और कितने साथी भी वहाँ पे अपना जीमेल से किए मेल, तो उनको भी ऐसा ही लिखा है कि डियर कैंडिडेट प्लीज़ कीप ट्राइंग टू इन नॉन पीक टाइम ड्यू टू, मतलब इनका भी कहना है कि अभी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं स्टार्ट नहीं होगा, बस कुछ आपको टाइम दीजिए, आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग का जो है वहाँ पे सर्वर पे डेटा अपलोड किया जा रहा है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको रेज ऑब्जेक्शन में आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आप अपना उसको देख पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे ही ये स्टार्ट होगा हम आपको एक बार फिर से नोटिफाई कर देंगे, आप अपना जाके वहाँ पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।